नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लक्ष्मी घर में वापसी करती है। और लक्ष्मी जो घर में वापसी कर रही है, इससे नीलम बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी है। और नीलम का अब टारगेट है कि किसी भी तरीका से ऋषि और साथ में मलिष्का की शादी करा दी जाए, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जितना भी सब कुछ आरोप लगने के बाद में लक्ष्मी और ऋषि का डिवोर्स तो हो ही चुका है, लेकिन दोस्तों वहीं ऋषि कोशिश कर रहा है कि लक्ष्मी को घर पे फिर से वापसी लाना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी अब समझाती हुई नज़र आ रही है ऋषि को कि ऋषि जैसा तुम चाहते हो वैसा तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम चाह रहे हो कि दोबारा फिर से वापसी आऊँ, क्योंकि मैं वापसी नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरा और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। वहीं पे बात की जाए ऋषि के फादर की, तो ऋषि के फादर ने बोल दिया है कि लक्ष्मी बेटा, जिस तरीका से तुम घर से गई हो और तुम्हारा और ऋषि का डिवोर्स हुआ है, वैसे ही पूरे मान और सम्मान के साथ में एक बार फिर से इस घर में लाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस घर में फिर से मैं ही वापसी लाऊँगा, हो कुछ भी जाए, चाहे मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें घर लाऊँगा, ये मेरी जुबान है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मलिष्का और सोनल ने जो प्लान बनाया था वो प्लान वर्क तो कर गया, लेकिन दोस्तों अभी मलिष्का के रास्ते क्लियर नहीं हुए हैं इस घर यानी ऋषि के घर में आने के लिए। और वहीं पे ही दोस्तों बात की जाए ऋषि की, तो ऋषि बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं मलिष्का से, और मलिष्का से बोल दिया कि इस घर में तो आना बहुत दूर की बात है, अब मेरा तुम्हारा दोस्ती का भी कोई भी वास्ता नहीं रहा है। हालांकि दोस्तों अब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से ऋषि को ब्लैकमेल करती हुई भी नज़र आने वाली है मलिष्का। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं गाइज। थैंक यू सो मच।